आज हम करेंगे प्रिंटर्स के बारे में। अगर हम प्रिंटर्स की बात करते हैं तो प्रिंटर हमारी एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं हार्ड कॉपी और प्रिंट लेने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट का। अब अगर हम किसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। हो सकता है आपके पास टेक्स्ट फाइल हो सकता है इमेज फाइल हो, या फिर कॉम्बिनेशन हो टेक्स्ट और इमेज दोनों का। तो जब हमें उसके आउटपुट रिप्रेजेंट करनी है, हमें किसी दूसरे पर्सन को उसकी आउटपुट शो करनी है, तो हम प्रिंटर के थ्रू कर सकते हैं कि हम प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट लेंगे और पर्सन को वो कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे। इट एक्सेप्ट इनपुट कमांड बाय यूजर्स ऑन द कंप्यूटर। अब ये क्या करता है, जो कमांड यूजर ने कंप्यूटर को दी है या किसी और डिवाइस को दी है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट, ये उसको एक्सेप्ट करता है। अब सपोज कीजिए आप सबमिट करना चाहते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने कॉलेज के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। आप क्रिएट कर लेते हो। अब क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट आपका आपके सिस्टम में है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं उसको कॉलेज को सबमिट करवाने की, या तो मैं उसको सीडी के अंदर सबमिट करवाऊंगा, लेकिन कई बार क्या होता है आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि आपको सीडी भी सबमिट करवानी है और उसके प्रिंटआउट भी सबमिट करवाने हैं। तो जब आप प्रिंटआउट भी सबमिट करवाना चाहते हो तो आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी आपके पास आउटपुट आएगी वो प्रिंटर की हेल्प से आएगी। अब प्रिंटर आपके पास एक भी हो सकता है और हो सकता है आपने कई लगाए हों। तो बेसिकली हम प्रिंटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2D और 3D प्रिंटर। अब अगर हम 2D प्रिंटर की बात करते हैं तो 2D प्रिंटर का यूज हम करते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 3D प्रिंटर्स का हम यूज करते हैं 3D फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस तरह के प्रिंटर्स को हम प्लॉटर्स कह देते हैं। अब अगर मैं टाइपो प्रिंटर की बात करता हूं तो हमारे पास क्लासिफिकेशन कैसे होती है, सबसे पहले आते हैं आपके पास प्रिंटर दो तरह के, एक इंपैक्ट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। अब जो इंपैक्ट प्रिंटर हैं इनमें क्या काम है, ये जब प्रिंट निकालते हैं या तो एक टाइम पे एक करेक्टर को प्रिंट करेंगे या फिर लाइन को प्रिंट करेंगे। और उसके बाद आपके पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, अगर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करता हूं तो एक टाइम के ऊपर आपके पास पूरे पेज को ही प्रिंट कर देते हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक आती है आपकी करेक्टर प्रिंटर और दूसरी है लाइन प्रिंटर। अगर करेक्टर प्रिंटर की हम बात करते हैं तो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, डेजी व्हील प्रिंटर हैं, और वैसे ही अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करते हैं तो ड्रम प्रिंटर हैं और चेन प्रिंटर हैं। अगर हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर हैं और लेजर प्रिंटर हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशंस थी, और आज की क्लास में हम करेंगे करेक्टर प्रिंटर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन ले लेते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स की। अगर हम इंपैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं तो ये वो प्रिंटर का टाइप है जो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है इंक रिबन का पेपर के साथ। ये प्रिंटर टिपिकली आपके लाउड होते हैं, लेकिन कुछ यूज हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि जो उनकी फंक्शनैलिटी है वो यूनिक होती है। और अगर हम यहाँ पर मल्टी पार्ट फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उन प्रिंटर्स को हम इजिली कर सकते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर आपके पास यहाँ पर रीअसेंबल करते हैं टाइपराइटर की तरह। तो इसमें हम दो कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं, एक है आपके पास आपका करेक्टर प्रिंटर और दूसरा है आपके पास लाइन प्रिंटर। अगर हम करेक्टर प्रिंटर की बात करते हैं तो करेक्टर प्रिंटर आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये दो कैटेगरीज आपके पास परफॉर्म करता है। और अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करते हैं तो हमारे पास ड्रम प्रिंटर है और चेन प्रिंटर है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी ले लेते हैं करेक्टर प्रिंटर की। अगर हम करेक्टर प्रिंटर की बात करते हैं तो ये वो प्रिंटर होते हैं जो यहाँ पर एक टाइम पर एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आई हैं, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर। अब हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके वो प्रिंटर होते हैं जो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स के अंदर, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर हैं आपके पास, सीरियल प्रिंटर की तरह काम करते हैं एक तरह से। इनके पास हमारे पास जो मैट्रिक्स और पिंस होती है प्रिंट हेड के अंदर, और जिसके ऊपर हम करेक्टर की फॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंप्यूटर मेमोरी है वो सेंड करती है एक करेक्टर एक टाइम पे प्रिंटर के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन होता है पिन और पेपर के बीच। तो जैसे ही वर्ड को किसी को प्रिंट होना है तो वो कब होगा, जब पिन स्ट्राइक करेगी कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास 24 पिंस होती है वर्किंग को
परफॉर्म करने के लिए। अब ये देखिए, मैंने एक तरफ आपको साइड में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की पिक्चर दिखाई है और दूसरी तरफ मैंने आपको आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है। एडवांटेज क्या क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, ये प्रिंट करते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म के अंदर या कार्बन कॉपी के हिसाब से। इसी तरह से लो प्रिंटिंग कॉस्ट है पर पेज, और यूज करते हैं हम इसको अगर हमें कंटिन्यूटी के अंदर पेपर के अंदर प्रिंट करना है। इसी तरह से रिलायबल है, ड्यूरेबल है। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये प्रिंटर बेसिकली आपने बैंक्स के अंदर देखे होंगे, आप पासबुक के अंदर प्रिंटिंग करते हो या कई कंपनीज में आप रिपोर्ट्स निकालते हो तो वो इन प्रिंटर्स के थ्रू ही निकलती है। जहां पर आपको परचेज ऑर्डर्स वगैरह निकालने होते तो मैक्सिमम इन्हीं प्रिंटर्स का यूज किया करते थे बड़े बड़े परचेज ऑर्डर्स के लिए। पेपर इसका थोड़ा सा थिक होता है अब हमारे नॉर्मल पेपर के मुकाबले। अब डिसएडवांटेज, इनकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, प्रिंट क्वालिटी लिमिटेड है, प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी कम है क्योंकि एक टाइम पे एक ही करेक्टर को करेगा और लिमिटेड कलर्स को ही ये प्रिंट कर सकता है। इसी तरह से दूसरे हमारे पास आते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। अगर हम डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर इनको इन्वेंट किया गया था 1969 के अंदर डेविड एस ली के द्वारा टेबलो डाटा सिस्टम लैब के अंदर। तो ये प्रिंटर हम कहते हैं यहाँ पर मेटल और प्लास्टिक डिस्क इसके अंदर होती है जिसके ऊपर आपके लेटर होते हैं, लेकिन राउंड शेप के अंदर होगी, एक व्हील की शेप में। उसमें लेटर भी होंगे, नंबर भी होंगे और कुछ और करेक्टर भी होंगे ये। अब जब भी हमें प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटर डिस्क को रोटेट करता है हर करेक्टर के थ्रू, और जैसे आप टाइपराइटर पे काम करते हो आप जिस की को प्रेस करते हो वो की आपकी स्ट्राइक होती है और पेपर के ऊपर वो आपका जो इंप्रेशन है वो छोड़ देती है, वही काम यहाँ पर ये काम करता है। हैमर स्ट्राइक करता है हर करेक्टर के ऊपर इंक रिबन के थ्रू और वो करेक्टर आपका पेपर पे प्रिंट हो जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर पॉपुलर हुए 1970 से 1980 तक, लेकिन अब इनका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रिंट क्वालिटी काफ़ी लो थी, काफ़ी स्लो थे और साउंड काफ़ी ज़्यादा करते थे। इनको रिप्लेस कर दिया गया लेजर प्रिंटर के थ्रू। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये देखिए, जो फर्स्ट इमेज है आपकी, यहाँ पर आपको डेजी व्हील प्रिंटर दिखाया गया है। ये वो व्हील है जिसके ऊपर करेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये आउटपुट आपकी रिप्रेजेंट की जा रही है। हैमर की तरह यहाँ पर आपके पास करेक्टर स्ट्राइक होता है और आपको आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, मेंटेनेंस इसकी लो है, आपको काफ़ी कम मेंटेनेंस का पड़ता है, कॉस्ट काफ़ी लो आती है, आप कार्बन कॉपीज क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर इसको फैन फोल्ड पेपर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो और चाहे तो आप इसमें हैवी पेपर यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कैसा ही पेपर लो क्वालिटी में, चाहे वो लो क्वालिटी का चाहे हाई क्वालिटी का, वो यहाँ पर आपके पास प्रिंट निकाल लेता था। प्रिंट क्वालिटी बेटर थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। डिसएडवांटेज क्या है, नॉइजी प्रिंटिंग थी, इसमें ग्राफिक्स आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे और लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्टर ही यहाँ पर टाइप हुआ करते थे। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था, कल के कॉन्सेप्ट में हम करेंगे लाइन प्रिंटर के बारे में।